चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट किसी भी क्षेत्र में जाने की औपचारिक अनुमति होती है। ये हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ है। तो आज के हमारे इस विषय में हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, इनर लाइन परमिट क्या होता है और इसका जिस क्षेत्रों से संबंध है हाल फिलहाल में जिस वजह से चर्चा में है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये मांग की है कि उत्तराखंड के कुछ जिलों से ये इनर लाइन परमिट जो है उसको वापस ले लिया जाए। ये मांग उन्होंने की है और ये मांग उन्होंने इसलिए की है कि उनका कहना है कि बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए, गाँव की आर्थिक गतिविधियों में विकास के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये उन लोगों ने मांग की है। इनर लाइन परमिट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, औपचारिक अनुमति होती है, लोगों को दी जाती है ताकि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर जा सके। उत्तराखंड में पर्यटकों को कम से कम उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली के तीन जिलों में, चीनी सीमा के पास हैं तीनों ज़िले, वहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो ये जो तीन ज़िले हैं उनमें से उत्तराखंड सरकार की मांग है कि ये जो दो ज़िले हैं उत्तरकाशी और चमोली, यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट ना दिया जाए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि उत्तराखंड और बॉर्डर की स्थिति क्या है। उत्तराखंड की बॉर्डर चीन के साथ 350 किलोमीटर तक लगती है, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर तक लगती है। इसके साथ ही राज्य के 13 ज़िलों में से 5 सीमावर्ती ज़िले हैं, चमोली, उत्तरकाशी, चीन के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। जबकि उधम सिंह नगर जो है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चमोली और उत्तरकाशी चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। उधम सिंह नगर और चंपावत की जो सीमाएं हैं ये रहा, ये नेपाल से लगती है। और इसके साथ ही जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ की कुछ सीमा जो है चीन से लगती है, कुछ नेपाल से लगती है। ये इसकी सीमा की स्थिति है। अब जिन दो ज़िलों में, जिन दो जगहों के लिए इनर लाइन परमिट को हटाने की मांग की गई है, उन दो ज़िलों में से जो एक है उत्तरकाशी में नेलोंग घाटी। अब हम बात करेंगे नेलोंग घाटी के बारे में। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि नेलोंग घाटी एक इनर लाइन क्षेत्र है। इसके साथ ही यहाँ पर केवल दिन के समय में घरेलू पर्यटकों के जाने की अनुमति है। ये उत्तरकाशी मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इस घाटी में दो मुख्य गांव हैं। पहले गांव का नाम है नेलोंग और दूसरा है जादोंग। इन दोनों को 1962 के युद्ध के बाद चीन से छुड़वाया गया था और फिलहाल में यहाँ पे वर्तमान में ITBP और सेना यहाँ पर तैनात रहती है। इसके साथ ही चीन की सीमा जादोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटक नहीं जा सकते हैं। सिर्फ घरेलू पर्यटकों को जाने की यहाँ पर अनुमति है। यहाँ पर अनुमति जिन लोगों को एक दिन में मिलती है उनकी अधिकतम संख्या 24 होती है और रात में वहाँ पर कोई भी नहीं रुक सकता है। इसके साथ ही परमिट के लिए पर्यटकों को शारीरिक रूप से STM के सामने अनुमति मांगने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि अपने आप को उन्हें वहाँ पर दिखाना होता है। एक लिमिटेड फीस है ऑनलाइन और ऑफलाइन की, वो अलग अलग है, 150 और 250 रुपये जो इस परमिट के लिए चाहिए होती है। हर साल लगभग 400 से 450 पर्यटक नेलोंग घाटी की यात्रा करते हैं। अब हम बात करेंगे नीते गांव की, जो कि चमोली में है। यहाँ के लिए भी मांग की गई है कि यहाँ से इनर लाइन परमिट को हटा लिया जाए। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह स्थित है, यानी कि बहुत ऊपर ये स्थित है। चमोली ज़िले के जोशीमठ में नीति गांव चीन की सीमा से पहले अंतिम आबादी वाला गांव है, यानी कि चीन की सीमा से पहले जो चमोली ज़िले का ये अंतिम गांव है जहां लोग बसते हैं। इसके बाद, इस गांव के बाद अगर कोई कस्बा इलाका है वहां आबादी नहीं रहती है। विदेशी पर्यटक एक दिन की यात्रा के लिए जोशीमठ से ILP प्राप्त करने के बाद नीति गांव की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि यहां पर विदेशी पर्यटक जा सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद, जबकि नेलोंग घाटी में वो लोग नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर वो रात में नहीं रुक सकते हैं। इसके साथ ही घरेलू पर्यटक वर्ष में किसी भी समय पर वहां पर जा सकते हैं।
और उनको वहाँ पर जाने के लिए अपना पहचान पत्र दिखाना होता है कि हम इंडियन हैं, उसके बाद वो जा सकते हैं। ये गांव साल के अंदर 6 महीने खुला रहता है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, बर्फबारी होती है, तो बाकी 6 महीनों पर वहाँ लोग निवास नहीं कर सकते। मौसम अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल मौसम के कारण ऐसा होता है, सर्दियाँ होती है। और जोशी मठ से वहाँ से प्रतिकूल मौसम की वजह से लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे निवास करते हैं। नीति गांव का रैनी गांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है और यहीं पर हाल फिलहाल में ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई थी, थोड़े समय पहले ही आई थी, उसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी। चार धाम यात्रा में भी इसका महत्व है। चार धाम यात्रा की अवधि के दौरान बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए पर्यटक नीति गांव आते हैं, तो ये है नीति गांव। अब हम देखेंगे कि इनर लाइन परमिट अगर हटा लिया जाता है या उत्तराखंड की ये मांग स्वीकार कर ली जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर इनर लाइन परमिट होना ही नहीं चाहिए जहां पर्यटकों के जाने की संभावना है और जो सुरक्षित स्थान है। जैसे कि इन दो जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हटा लिया जाता है तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, गाँव में पुनर्वास होगा और वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं बॉर्डर की सुरक्षा आंख नाक बन के कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही बाहरी प्रवास भी रुक जाएगा, अब वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ हैं ही नहीं, तो इस वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ से बाहर जाके रोज़गार के लिए जाना पड़ेगा। अगर वहाँ बाहर के लोगों का आना जाना हो जाएगा तो रोज़गार विकसित होगा जिससे कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आजीविका के अवसरों की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह के नियमों में ढील देने की वजह से पर्यटकों की आमद में वृद्धि होगी और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा, पैसा भी वहाँ पर आएगा। ये सारे प्रभाव इससे पड़ेंगे अगर इसको हटा लिया जाता है तो। अब हम देखेंगे कि आखिर में इनर लाइन परमिट होता क्या है और इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। यह एक यात्रा दस्तावेज होता है, आप सबको ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है, हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ कि इसके ज़रिए देश का कोई भी नागरिक किसी भी खास हिस्से में जहाँ जाने की अनुमति नहीं है वहाँ पर इस यात्रा दस्तावेज के सहारे जा सकता है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत जारी किया गया था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी और अंग्रेज़ों ने इसे व्यापारिक हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया था, यानी कि वो इस तरह के परमिट देते थे, जिसके पास ये परमिट होता था वो ही व्यापार कर सकता था, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आज़ादी के बाद भी इनर लाइन परमिट लागू ही रहा, लेकिन कारण इसके चेंज हो गए, वजह बदल गई। इस दो तरह के होते हैं ये और इनकी अवधि अलग अलग होती है। पहला होता है टूरिस्ट इनर लाइन परमिट जो कि मैक्सिमम 1 सप्ताह तक के लिए होता है। दूसरा है जॉब इनर लाइन परमिट जो वहाँ जॉब करने वाले लोगों के लिए होता है, इसकी अवधि 1 साल तक की होती है। अब हम देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में और किस किस रूप में ये है। भारत के 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड और मिजोरम इन 3 राज्यों में संपूर्ण रूप से इनर लाइन परमिट है, यहाँ सबको ये चाहिए होता है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो लद्दाख में भी ऐसा ही है। लेह जिले में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि लद्दाख में है और लेह में नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप के लिए भी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जिन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है, यानी कि जिन राज्यों से दूसरे देशों की बॉर्डर लगती है, उन राज्यों में भी है, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के कुछ इलाकों पर जाने के लिए, यानी कि वहाँ पूरे राज्य में नहीं है, जो बॉर्डर वाले उनके डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर है, जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से पूर्वी सिक्किम के कुछ इलाकों में भी जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक तो कम्प्लीट हो गया है, अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, इनर लाइन परमिट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस यात्रा दस्तावेज के जरिए देश का कोई भी नागरिक देश के किसी खास हिस्से में घूमने के लिए जाने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए जा सकता है। कथन दो, इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1893 के तहत जारी किया गया है।
उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, दांडी मार्च से संबंधित था, तो इसका आंसर है डी। दोनों में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन ही सत्य है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो और अन्य वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सभी के सभी PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।